हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को पता है कि इससे पहले मैंने जियो मार्ट जैसी वेबसाइट अगर बनानी हो आपको कर्सी थीम के थ्रू, तो उसके मैं दो पार्ट बना चुके हैं ऑलरेडी, और तीसरा पार्ट जिसका इंतजार आप सभी को था बहुत दिनों से इंतजार था, 1 महीने लगभग हो चुका है दूसरा पार्ट आए हुए, लेकिन तीसरा पार्ट बहुत देर हो गया। इसके रीजन का ये था कि तबीयत खराब हो गई थी, बट आज हम जो कवर करेंगे कि तीसरा पार्ट में हम कवर करेंगे बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, कस्टमाइज पेज बनाना का, और उसके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि कस्टमाइज पेज के लिए जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वन बाय वन उन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो लास्ट टाइम हमने जो साइट डेवलप की थी जियो मार्ट के अकॉर्डिंग, वो साइट जिसका आपने के देखा है, मैंने कहा ये चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ जो वो किस टाइप की साइट थी जो लास्ट टाइम हमने डेवलप की थी। ठीक है, ये साइट है जो जियो मार्ट के अकॉर्डिंग मैंने ये डमी का प्रोडक्ट अपलोड किया था, बट ये चीज हमें अभी जो है कस्टमाइजेशन करनी है, एज इट इज जियो मार्ट की तरह से कस्टमाइजेशन करनी है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो हमने लास्ट वीडियोस में कवर किए थे। आपने जान लिया कि इस लंबे लॉकडाउन के बाद किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लाना कितना इम्पोर्टेंट है, ई कॉमर्स हो चाहे किराना का हो या ग्रोसरी स्टोर का हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का हो, ऑनलाइन क्लॉथिंग का हो, सिंगल वेंडर हो, मल्टी वेंडर हो, किसी भी टाइप में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और उसको अगर आप ऑनलाइन नहीं लाए हैं या ऑनलाइन आपने किया नहीं है, अगर आपकी सोच है कि आप बिजनेस को ऑनलाइन लेके आए, तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि आपको यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, चाहे आप वेबसाइट बनाना चाहें, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहें, चाहे आपको ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाना हो या सर्विसेज का प्लेटफॉर्म बनाना हो। सिर्फ यही नहीं, बिजनेस को सेटअप करने के बाद, ऑनलाइन लाने के बाद उसका प्रमोशन करना, इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें ए टू जेड अवेलेबल है। ठीक, अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए, पहले पाइए का हिस्सा बनिए। आज हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे और इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, तो मैं इम्पोर्टेंट चीज को ही मैं ज्यादातर फोकस करूंगा आज की इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है। इसके अलावा ये पीडीएफ बिल सेटअप करना है, उसके बाद का आपका ये एक लाइव लोकेशन को मुझे सेटअप करना है, अगर आप लाइव लोकेशन चाहते हैं तो वो लाइव लोकेशन सेट करना है, ये चेक अवेलेबिलिटी सेट करना है। ठीक है, तो इस तरह की चीज सेट करना है, उसके बाद हम पेज को कस्टमाइजेशन करेंगे, अपने अकॉर्डिंग पेज को कस्टमाइजेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका सिंगल वेंडर के मोबाइल एप्लीकेशन की बारी आती है, फिर मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह के हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस अब हम चलते हैं साइट पे। जब हम इसका लॉगिन एडमिन पैनल ऑन करते हैं, तो ऑन करने के बाद जब आप कर्सी थीम पे आएंगे और उसके बाद थीम रिक्वायरमेंट पे जब जाएंगे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सर्वर कॉन्फ़िगरेशन अभी तक सेटअप नहीं हुआ है। रीजन क्या है, इस तरह से अल्गोलिया का ये एक सर्च बार है जो इसमें काम करता है, आप इसको अगर आप सेट नहीं करते हैं तो ये अगर आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो सर्च करने में आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये भी हम सेटअप करेंगे और ये भी हम का सेटअप करेंगे, इसमें सेटअप किया हुआ है लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है कि ये वर्डप्रेस की जो मेमोरी लिमिट है ना वो बड़ा कम है, तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सारी चीजें के मैं आपको बताने वाला हूँ कि सही करना बड़ा इजी है। इजी किस हिसाब से है मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आए कि किसी तरह का प्रॉब्लम आए तो मैं उसको सॉल्यूशन निकालने की मैं कोशिश करता हूँ कि आप क्या करें, जो प्रॉब्लम आए उसको आप कॉपी कीजिए और डायरेक्ट आप गूगल में पेस्ट कीजिए और उस तरह के बहुत सारे आपको ब्लॉग मिल जाएंगे, पोस्ट मिल जाएंगे, वीडियोज मिल जाएंगे, तो आप अगर पोस्ट देखेंगे तो पोस्ट में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी इन्होंने कह दिया हुआ है कि ये देखिए इसका सॉल्यूशन है। ठीक है,
ये पूरा इसको आप कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद इन्होंने जो कहा है कि आप इसको WP कॉन्फ़िगर वाले फाइल पे आप इसको पेस्ट कर दें। तो अभी हमें इसके लिए हमें WP कॉन्फ़िगर के लिए हमें के दो तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास सी पैनल है तो आप सी पैनल के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास FTP अकाउंट है तो आप FTP अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अभी मैं डायरेक्ट सी पैनल के थ्रू कर रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपकी जो भी जहाँ भी फाइल है उस फाइल को आप ऑन करेंगे। जैसे कि मेरे पास अभी जो फाइल है वो फाइल हमारा यहाँ पे है, तो इस यहाँ पे हम WP कॉन्फ़िगर पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद ये क्या आपको आएगा, ये फॉर्म आएगा, यानी ये इस तरह का ये कोड आ जाएगा। इस कोड में आपको यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, ठीक है, ये कोड आपको यहाँ पेस्ट करना है। और यहाँ पे जो आप मेमोरी लिमिटेशन है, आप जितना भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। 2000 रखना, 4000 रखना चाहे तो आप जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा बेटर है। जैसे कि यहाँ पे इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 256 है, तो मैंने इसमें 400 रख दिया, 400 MB रख दिया, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप जैसा रखना चाहे वो रख सकते हैं। जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका ये मेमोरी लिमिटेशन वाला जो प्रॉब्लम था वो आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है, देख सकते हैं आपका ये जो मेमोरी लिमिटेशन का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया, ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन ये भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप उसका फेस करें, उसे उस तरह से उसको सेटअप कर लें। सेम इस तरह से यहाँ पे अलगोलिया का सेटअप की है, ये मैंने पिछले वीडियोज में भी सेटअप किया था। ये ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप इसको करना चाहेंगे तो लगाना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये आएगा ये अलगोलिया का सर्च का ये एप्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ पे आप फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एज अ डेमो रिक्वेस्ट देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। ये इसका ये आपका प्राइसिंग का सिस्टम है, ये आपका पेड है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ्री वर्जन है, 10 यूनिट तक आपका फ्री वर्जन है इन्होंने दे रखा है। इसका स्टैंडर्ड प्लान जो है $1 per month के अकॉर्डिंग है, और प्रीमियम प्लान $150 per unit है, यानी 150 सेंट, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पे भी सेटअप कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे अगर आप हमें सेटअप करना है तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने इसमें लॉगिन किया हुआ है, बनाया हुआ है, तो कोई नहीं मैं आपको एक नया बना के दे देता हूँ। आप फ्री ट्रायल से स्टार्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे आप गूगल के थ्रू भी आप करना चाहें, आप गूगल के थ्रू भी आप इसमें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मेल आईडी यूज कर लेता हूँ सिटी फ्रेश के नाम से। आप कोई भी जीमेल आईडी के थ्रू आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। और उसके बाद यहाँ पे एग्रीमेंट पे क्लिक करें, और जो भी आपका नाम है वो नाम के अकॉर्डिंग आप अपने नाम अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डाल दें। ये उसके बाद यहाँ पे इनवैलिड सेटअप, ठीक है। इसका कंपनी का नाम जो भी डालना चाहे आप डाल दें, आपके ऊपर है। अब ये कह रहे हैं कंपनी का साइज क्या है, इम्प्लॉय का कितने हैं, तो हमने ये सेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट बिजनेस इंजीनियर, तो मैंने आप एज ए इंजीनियर डेवलपर होने की वजह से मैंने एज ए इंजीनियर रखा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास मेल गया हुआ है, आप मेल एक बार चेक कर लें, तो मैं यहाँ पे मेल चेक कर लेता हूँ। ये मेरे पास मेल आया हुआ है, ठीक है, ये अलगोलिया के नाम से मेल है, मैंने इसको कंफर्मेशन दे दिया। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा ये सेंटर, ये इंडिया सेंटर है, तो ये हमारा अब ये हम कॉन्फ़िगर स्टार्ट करेंगे। ये लोकेशन वाइज इसमें ये सेंटर सेट होगा। ये जरूरी किस लिए है मैं आपको ये भी बताऊंगा, जरूरी किस लिए है। पहले मैं ये सब कुछ आपको करके दिखा दूं, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स का नाम दे देता हूँ जियोमार्ट, वो आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ कर इंपोर्ट योर रिकॉर्ड,
यहाँ पे ये हमारा ई कॉमर्स की साइट है, ठीक है। अब इसके बाद आ गया ये कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये आ गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन के सेटअप, और ये है हमारे यहाँ पे सर्च बार, ये कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें उठाना है एपीआई की, ठीक है। ये हमें सब कुछ मिल गया, एपीआई की मिल गया, यहाँ पे ऑल एपीआई की है। यहाँ पे हमें जो चाहिए वो रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेशन आईडी है, तो ये आपका एप्लीकेशन आईडी हो गया। आप यहाँ पे अपना जो भी एप्लीकेशन आईडी है आप यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ गया आपका सर्च की, तो ये मैंने सर्च की यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ गया एडमिन की, तो मैंने इसको एडमिन की यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एडमिन नेम, तो एडमिन नेम आपको मिल जाएगा, तो एडमिन नेम हमारा क्या था, वो एडमिन इंडेक्स नेम, तो हमने ई कॉमर्स से चूज किया था, तो ये हमने कर दिया इसको सेव, ठीक है। उसके बाद हमें ये करना है प्रोडक्ट, साइन योर प्रोडक्ट टू अल्गोलिया बाय क्लिक द साइन ऑल बटन, रिकॉर्ड या आगे यूनिक सर्च, जी। तो देखें ये आपका ये सेटअप हो चुका है, ये सब कुछ बिल्कुल 100% जो है ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह के आप जो है बिल्कुल इजीली आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें जानना है वो ये जानना है कि आगे का जो है व्हाट्सएप लाइव चैट एंड ऑर्डर इन व्हाट्सएप, ये दो अलग अलग चीज है। व्हाट्सएप लाइव चैट अलग चीज है और साथ साथ व्हाट्सएप एंड ऑर्डर ये अलग चीज है, तो दोनों अलग चीज है। तो इसको हम कैसे करेंगे और ये किस तरीके से होगा, चलिए हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्लगइन पे आना है, और प्लगइन पे आने के बाद आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन है। इसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करना है व्हाट्सएप, तो यहाँ पे आपको दो तरह का मिल जाएगा व्हाट्सएप के, यहाँ पे के एक ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप मिल जाएगा, दूसरा लाइव चैट मिल जाएगा। लाइव चैट से क्या होगा कि अगर आप हर पेज पे चाहें व्हाट्सएप, या जिस तरह के ये है, ये भी एक व्हाट्सएप ही का बटन है, ये आप इस तरह से व्हाट्सएप का बटन देख सकते हैं। बट अगर आप व्हाट्सएप के आईकॉन में चाहिए आपको, तो व्हाट्सएप के आईकॉन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो मुझे ये जो क्या व्हाट्सएप है इसको मुझे नहीं चाहिए, ये वाले जो बटन है ये व्हाट्सएप चैट के लिए बड़ा अच्छा है। इसके बाद जो व्हाट्सएप ऑर्डर के लिए है, तो ऑर्डर के लिए ये क्लिक एंड चैट एंड ऑर्डर ये भी अच्छा ही है, तो मुझे जो व्हाट्सएप ऑर्डर के लिए यूज करना है वो बड़ा अच्छा है वो ये है, ठीक है। तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट मुझे ये दोनों अच्छा लगता है, ऑर्डर एंड व्हाट्सएप ये अच्छा लगता है, और ये जो चीज है ये मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं इसके हिसाब से मैं इसका यूज करता हूँ। तो ये लाइव चैट के लिए बड़ा अच्छा प्लगइन है, आप इसको कर लें एक्टिव। देखो व्हाट्सएप से इसलिए आप ज्वाइन करें क्योंकि लोग ना कैसा हर एक के पास व्हाट्सएप आज होता है, तो लोग ट्रस्ट करने के लिए ई कॉमर्स की साइट में ट्रस्ट पैदा करने के लिए, या आप यूं कहिए कि लोगों को ट्रस्ट दिलाने के लिए व्हाट्सएप एक बहुत बेहतरीन जरिया है, जबरदस्त मीडियम है कि व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों से कनेक्टिविटी हो,
आप उनसे बातचीत करें बिल्कुल इजी वे में, तो यह ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे टूल्स पे आएंगे और टूल्स सेटिंग के बाद यहाँ पे आपको ज्वाइन चैट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर, जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर है, वो आप व्हाट्सएप नंबर आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्या ऐड कर दिया, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ये लिख या मिल रहा होगा। इससे क्या बेनिफिट है कि अगर आपको ये मालूम करना हो कि क्लाइंट कौन से पेज से, कौन से यूआरएल से आया है आपके पास, तो ये भी अगर आपको डिफाइंड लेना हो तो आप ये ले सकते हैं। ये ई कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ पे ये चीज लिख लें, जैसे लिखा हुआ है सेम एज इट इज, यही चीज आप इसमें लिख लें। ठीक, और लिख के जो है इसको आप पेस्ट कर दें। ये आ गया आपका, ये साइट नेम, उसके बाद आई नीड मोर इन्फो अबाउट, उसके बाद ये साइट का टाइटल का नाम डाल दें। ये आपका टाइटल हो गया, अगर आप टाइटल को बोल्ड करना चाह रहे हैं तो उसको एज ए स्टार पे उसको बंद कर दें, उसके बाद फिर उस पर लिंक डाल दें। ठीक है, ये आपका लिंक आ गया। तो इस तरीके से आप चीजों को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद ये 2 सेकंड 3 सेकंड आप कितने में रखना चाह रहे हैं, ये लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, तो मैं यहाँ पे राइट में रखता हूँ। और इस तरीके से यहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हेलो कैन आई हेल्प यू एज ए बटन एंड पॉपअप बटन, अगर आप चाहें तो भी आप इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इसको कर दीजिए सेव। जैसे आप सेव करेंगे तो सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो आ रहा था, ये इसको मैं हटा देता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है व्हाट्सएप का यूज बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि व्हाट्सएप एंड ऑर्डर एंड व्हाट्सएप, अगर आप ऑर्डर एंड व्हाट्सएप का सिस्टम लेना चाह रहे हैं, ये आपका आ चुका है। ठीक है, अब इसको लेफ्ट में लेना चाहेंगे, आप देखें जिस पेज से मैंने गया वो पेज आ गया। ये देखिए यहाँ पे हाय जियोमार्ट, ये साइट का नाम है। आई नीड मोर इन्फो अबाउट दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स का आ गया, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स का यूआरएल आ गया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। जैसे सपोज के अगर आपको किसी इस प्रोडक्ट के बारे में जानना हो, तो अगर आप इस प्रोडक्ट से अगर व्हाट्सएप में आप कनेक्ट करते हैं तो इस प्रोडक्ट का लिंक आपको व्हाट्सएप पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आ गया, देखें ये आ गया इंक्वायरी के लिए, आप यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट का लिंक आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप बिल्कुल इजीली कस्टमर को ट्रस्ट दिला सकते हैं, या फिर कस्टमर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। इससे बेनिफिट आपका ये रहेगा कि कस्टमर का आपसे जुड़ जाएंगे और वो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कस्टमर को कोई भी सेटिस्फेक्शन देना हो या कस्टमर कोई क्वारीज हो तो आप उस क्वारीज को आप सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। ठीक, इसके अलावा अगर आप ये देख रहे हैं जिस तरह के यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन है, सेम इस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर एंड व्हाट्सएप का भी अगर आप रखना चाहें तो भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर एंड व्हाट्सएप का सिस्टम रख सकते हैं। वो कैसे रखेंगे, वो भी बिल्कुल इजी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्लगइन मैंने जो यूज किया है ऑर्डर एंड व्हाट्सएप के नाम से, वो उस प्लगइन के थ्रू आप ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ये है ऑर्डर एंड व्हाट्सएप, तो ये आप इस पर करिए एक्टिव। जैसे आप एक्टिव करेंगे तो एक्टिव करने के बाद आपको ऑर्डर एंड व्हाट्सएप का बटन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस प्रोडक्ट पेज के अंदर दिख जाएगा। ये आपका है ऑर्डर एंड व्हाट्सएप का बटन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सिंपली आपको अपना नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। ये आपका मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप न्यू विंडोज में चाहते हैं तो न्यू विंडोज में लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो मैसेज चाहते हैं
तो मैसेज लिख सकते हैं और यहाँ पे ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको कर लीजिए सेव। ठीक, आप इसको सेव कर देंगे क्या, उसके बाद आपको अगर आप यही चीज अगर आपको कार्ट पेज में चाहिए तो कार्ट पेज में भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो बट हमें कार्ट पेज पे नहीं चाहिए इसको, हमें सिर्फ आप प्रोडक्ट पेज पे चाहिए। तो जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करते ही आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आपको दिखेगा वो प्रोडक्ट्स सिंगल प्रोडक्ट्स में आपको ऑर्डर एंड व्हाट्सएप का बटन आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर एंड व्हाट्सएप का बटन आप इजिली सेट कर सकते हैं। सेम वही मैसेज जो मैसेज मैंने आपको पहले दिखाया था, सेम वही मैसेज यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कस्टमर को आप व्हाट्सएप से भी बल्क ऑर्डर में ले सकते हैं। जो भी ऑर्डर है आपका नियर बाय लोकेशन में, जो भी आपका ऑर्डर लेना आप लेना चाह रहे हैं तो आप नियर बाय ऑर्डर ले सकते हैं बिल्कुल इजी स्टेप के साथ। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब अगर का ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसको अगर का आप जूमेबल करना चाह रहे हैं, यानी आप राइट साइड में इसको देखना चाह रहे हैं कि इसको राइट साइड में किस तरीके से दिखेगा, तो भी आप इसमें इजीली आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्लगइन है जो जूम के नाम से प्लगइन आएगा, वो आप प्लगइन आप यूज कर सकते हैं और उसको सेट करके आप इसको जूमेबल कर सकते हैं। तो ये ग्रोसरी के लिए जूमेबल की इतनी जरूरत नहीं होता है, बट आपके ग्रोसरी के अलावा जो कोई प्रोडक्ट्स होता है तो उसके लिए जूमेबल का ये किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं देख लूं कि जियो मार्ट में भी ये शायद ये जूमेबल का ऑप्शन इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये चीज एक्स्ट्रा अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे भी ये चीजें अवेलेबल नहीं, क्योंकि ग्रोसरी में ये जरूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, खैर ये हो गया। अब रही बात ये कि आगे हम इसके बात करेंगे कि पीडीएफ बिल के सेटअप। यहाँ पे जैसे कि अबाउट इन्वेंट्री ऑलरेडी अवेलेबल है इसके अंदर। आप जब जाएंगे यहाँ पे ई-कॉमर्स पे जाएंगे, ई-कॉमर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएगा, जितना भी चीजें सेटअप करनी है करने सब कुछ आपको मिल जाएगा। बट आप अगर इन्वेंट्री चाहते हैं कि वो इन्वेंट्री आप अपने अकॉर्डिंग उसको डे बाय डे मंथली वाइज को सारे चीजें कर स्टेटस के अकॉर्डिंग करें तो भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टेटस पे जाएंगे, वैसे जो मैन्युअली होता है इन्वेंट्री उसकी मैं बात कर रहा हूँ, बट अगर आप ऐसे इन्वेंट्री आप चाहते हैं तो इन्वेंट्री भी बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ई-कॉमर्स के अंदर इन्वेंट्री भी आप ऐड कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैसे करना है। जबकि आप जब स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीज आपको इन्वेंट्री में यहाँ पे मिल जाएगा। इसके ये देखें, यहाँ पे आपका ये टूल्स वगैरह आ गया, ये शेड्यूल्स वगैरह आ गए, ये सारी चीजें जो इनमें दिया हुआ है। तो ये सब कोड बेस्ड है, इसमें ये टूल्स है, खैर इसमें अभी ये रिपोर्ट में आपको यहाँ पे उसकी रिपोर्ट वगैरह में ले जाएगा। इन्वेंट्री का सेटिंग इसमें अभी किया हुआ नहीं है, चले हम इसको भी कर लेते हैं इन्वेंट्री का सेटिंग। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इन्वेंट्री के नाम से आप डालेंगे, यहाँ पे आपको इन्वेंट्री में आपको क्या क्या मिलेगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी और उसके जो वेट ये सारी चीज आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, सेल्स बाय प्रोडक्ट, सेल्स बाय कैटेगरी, कूपन बाय डेट, कस्टमर डाउनलोड, तो यहाँ पे आपको ये सारे चीजें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एज ए इन्वेंट्री इसको भी आप यूज कर सकते हैं, या एज ए रिपोर्ट कहना चाहें तो भी आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। इन्वेंट्री में यही चीजें होती हैं, क्वांटिटी कितना है, स्टॉक कितना है, तो आप स्टॉक मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कस्टमर कितना है तो आप यहाँ पे देखेंगे। इन्वेंट्री में मैनुअली यही चीज होती है, बट अगर आप चाहते हैं कि ये मैनुअली आप ई-कॉमर्स का ये इन्वेंट्री बनाएं करें तो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू पी इन्वेंटरी मैनेजर, तो मैं दो तीन चीज देख लेता हूँ, दो तीन चीज देख के मैं करता हूँ कि इसमें से कौन सा बेटर होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे चीजें ये लगा है ई-कॉमर्स पॉज इन्वेंटरी काउंटर, तो ये आपका ई-कॉमर्स पॉज इन्वेंटरी काउंटर है। तो इस तरह के जो भी आपको अच्छा लगता है तो उस तरीके से आप अपने जो अच्छा है उसको बेटर से बेटर तरीके से आप उसको अपने इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। ठीक है,
खैर यहाँ पे दो तीन चार इन्वेंट्री के ये पेजेस आ गए, ये आपका स्टॉक सेंट्रल। तो बस वही इन्वेंट्री में वही चीजें होती है, स्टॉक ही मैनेज किया जाता है। अगर आप यहाँ पे स्टॉक के देखना भी चाहें तो आप ऑलरेडी इसको यहाँ पे ये स्टॉक के सेक्शन पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, जिसमें आउट ऑफ स्टॉक ही दिखाएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये कितना ये प्रोडक्ट होने वाला आउट ऑफ स्टॉक है, लो स्टॉक, तो इसमें सेट करना पड़ेगा। सेट करने के बाद ये सारी चीजें आपको दिख जाएगा, ठीक। ये देखिए ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो अभी आउट ऑफ स्टॉक में दिखा रहा है, ठीक है। इन्वेंट्री में ये चीजें मेंशन होती हैं, ठीक। तो ये भी चीज आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ये इन्वेंट्री, ये बड़ा अच्छा है इन्वेंट्री। इसका यूज आप किए बिल्कुल इजीली आप इसमें कर सकते हैं, कितने पेज, कितने प्रोडक्ट, कितने ये सारे चीजें हैं, बहुत सारी इसमें चीजें दी हुई हैं, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी देख लूं, इसमें भी वही चीजें दिया हुआ है, ऑर्डर और स्टॉक। इसमें इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, पहले वाला जो था ये ज्यादा बेटर था। मैम इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये कैटलॉग का दिया हुआ है, ये भी कोई खास अच्छा नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे ये दिया है ओकॉमर्स इन्वेंट्री काउंटर बाईपॉज। तो ये इन्वेंट्री भी एक ये भी इन्वेंट्री अच्छा इन्वेंट्री है, ओकॉमर्स इन्वेंट्री, ये काउंटर। इसको आप बाई बार कोड के थ्रू भी आप करना चाहें, ये इन्वेंट्री स्टॉक के वाइज करना चाहें तो भी आप इसको आराम से इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये किसी एक्सेसरीज के थ्रू करना चाहें, इसको एज ए डाउनलोड करना चाहें, शो क्यूआर कोड के थ्रू यहाँ पे इन्वेंट्री है, तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन क्या हमें क्यूआर कोड अगर यूज नहीं करना है, अगर आप पॉज के थ्रू का अगर बनाना करना चाह रहे हैं, काउंटिंग करना चाह रहे हैं, क्यूआर कोड के थ्रू अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इसको कीजिए, वरना ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ देखना चाह रहे हैं, अपना इन्वेंट्री रखना चाह रहे हैं, तो इन्वेंट्री के लिए यही काफी है, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आपको जो बेटर लगता है, आप दोनों क्या नाम है, दोनों भी यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, बट ये कि आप रिकमेंड यही करेंगे कि आप कोई दोनों में से कोई एक यूज कर लें, ज्यादा बेटर जो भी आपको लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हम इन्वेंट्री का मैनेज करेंगे और इन्वेंट्री को हम देखेंगे कि किस तरीके से ये मैनेज होता है। इसके बाद का हम जो है पीडीएफ बिल की बात करते हैं, तो पीडीएफ बिलिंग का ये बड़ा इजी है, तो ये भी चले हम इस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे आना है, हाँ ये आप पेड प्लगइन भी यूज कर सकते हैं, बट मैं इस वीडियो में मैं फ्री प्लगइन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप में से मोस्टली लोग जो हैं वो फ्री चीजों को ज्यादा रिकमेंड करते हैं, इसलिए मैं फ्री चीजों का मैं ज्यादा यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्री चीजों ही से, ताकि आपको इतना पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि ये जो थीम है, ये थीम की कीमत ही लगभग जो है $89 के आसपास है, बट कोई इशू नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि ये थीम बाय करें विद इन चीप एंड बेस्ट में, तो आपको ये भी मिल जाएगा हमारे थ्रू। आपको अगर चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चीप एंड बेस्ट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास बिजनेस प्लान होता है और चीजें क्या हम बिल्कुल इजिली यूज कर सकते हैं, ठीक। तो खैर अगर आपको पैकिंग स्लिप के साथ चाहिए पीडीएफ बिल, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको पैकिंग स्लिप वगैरह नहीं चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है जैसा चाहेंगे। यहाँ पे आपको शिपिंग लेबल का आ जाएगा, जैसे ये लेबल लगा हुआ है इस तरह से, ये आपका पीडीएफ बिल इनवॉइस वगैरह सारी चीजें हैं, ठीक। इसका अलावा ये भी बिल अच्छा है, तो मैं जो ज्यादातर यूज करता हूँ यहाँ पे ये चालान पीडीएफ इनवॉइस एंड पैकिंग स्लिप फॉर ओकॉमर्स, तो ये नया दिख रहा मुझे, इसको मैंने यूज नहीं किया था। एक ये वाला है, आप इसका भी यूज बड़ा इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो खैर मैं जो यूज करता हूँ वो सबसे फर्स्ट वाला यूज करता हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है, ये है यूज करता हूँ इसको। अब पैकिंग स्लिप भी निकल जाता है और साथ साथ इनवॉइस भी निकल जाता है, तो ये दोनों बेटर होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका देखेंगे ये आपका ये जबरदस्त ही है बिल इनवॉइस जो है, अच्छा ही है कि यहाँ पे इनवॉइस नंबर, यहाँ पर कंपनी का नाम आ गया, यहाँ पे लोगो आ गया, ठीक है। तो ये बेटर है, तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं।
तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा बेटर है इन सारे चीजों के मुकाबले में। तो चलिए मैं इसी का यूज करता हूँ इस पे, क्योंकि यहाँ पे आपको पैकिंग स्लिप भी मिल जाएगा और साथ साथ जो आपको यहाँ पे कि इनवॉइस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें हैं, आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं और साथ साथ आप इसमें इनवॉइस जो है कि व्यू भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो आप दोनों चीजें आप बिल्कुल इजी ऑप्शन के थ्रू आप इसको कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद जो होता है कि वो होता है आपका डिलीवरी बॉय, तो डिलीवरी बॉय का भी हम सेटअप करेंगे। चलिए ये प्लगइन भी मैंने इसको इंस्टॉल कर ली। इसके बाद यहाँ पे जो हमने इन्वेंट्री का जो प्लगइन इंस्टॉल किया था वो प्लगइन हम उसको देख लेते हैं। इन्वेंट्री वाला ये है हमारा इन्वेंट्री वाला प्लगइन, ये आपका पॉज वाला है, तो इसको मैं कर लेता हूँ रिफ्रेश। जो इन्वेंट्री का मैंने प्लगइन यूज किया था वो है, ये है इन्वेंट्री का। यहाँ पे सारी इन्वेंट्री आ गई, ऑल इन्वेंट्री पर हम क्लिक करेंगे। ऑल इन्वेंट्री पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जितनी भी चीज़ें इन्वेंट्री करनी है, जो का आपको चाहे कैटेगरी वाइज हो या फिर आप पर्सन वाइज हैं, किसने डिपॉजिट किया नहीं किया, ये पिकअप लोकेशन है, इस तरह से ड्रॉप ड्रॉप डाउन वगैरह है, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं यहाँ पे आप ऐड इन्वेंट्री में क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको एज ए इन्वेंट्री आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कैटेगरीज आ जाएगा, तो आप कैटेगरीज का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहें जैसा इन्वेंट्री में रखना चाहें वो आप बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर टाइटल का नाम हो गया, ये आपका किलोग्राम हो गया। तो इसमें एक बात ये है कि आपको यहाँ पे मैन्युअली आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मैन्युअली करना पड़ेगा, जो भी प्राइस वराइज है ये सारी चीजें, ये किलोमीटर वाइज, ये माइल वाइज, डिस्टेंस जो यूनिट आपका जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इन्वेंट्री इसको सेट करेंगे इस तरह से, यहाँ पे कैटेगरी इन्वेंट्री का। तो इसके अंदर क्या है कि आपको ये सारे चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ये ऑलरेडी इसके अंदर ही होता है, इस थीम के अंदर ही इन्वेंट्री का ऑप्शंस दिया हुआ है। बट हमने जो प्लगइन यूज किया था ये आटम इन्वेंट्री के नाम से यूज किया था, ये इन्वेंट्री ऑलरेडी इसके अंदर है, इस थीम के अंदर ही इम्बिल्ड था। बट यहाँ पे हमने जो यूज किया है आटम वाला यूज किया है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि मे बी शायद यहाँ पे आपको सारी चीजें आपको कस्टमाइजेशन करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे आपको मे बी सब कुछ आपको मिल जाए, जो आपने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाए। तो यहाँ पे स्टॉक सेंटर पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर ऑर्डर ये सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे जी हाँ, इसके अंदर ये ज्यादा बेटर है, बेटर इसलिए है कि इसमें प्रोडक्ट वाइज जिसने सारे चीजें दिया हुआ है, ये सेल टुडे सेल क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बड़ा जबरदस्त है, ये कितने प्रोडक्ट्स इसके अंदर है, अनमैनेज प्रोडक्ट है या आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट है, इन स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, क्या आइटम इन स्टॉक, इतने आइटम आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा है, इसमें वीडियो ट्यूटोरियल वगैरह दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देख लें तो इसका ये पर्सनल, ये आपको यहाँ पे स्टॉक इन स्टॉक ये सारे चीजें का मैनेज करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा एसक्यू आईडी के थ्रू। तो ये ज्यादा बेटर है इन्वेंट्री के लिए, ये ज्यादा बेटर है क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट्स हैं उसी प्रोडक्ट्स में आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आप आउट ऑफ स्टॉक का अगर मैनेज करना चाहें तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, और अगर इन स्टॉक का मैनेज करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद इसमें जो भी आपको सेटअप करना हो, चीज़ें अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑल आ गया, उसके बाद यहाँ पे इन स्टॉक, ठीक है। इसके बाद यहाँ है आपका
तो खैर इस तरीके से आप इन्वेंट्री को भी आप सेटअप कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कोई चीज बड़ी चीज है नहीं। तो यहाँ पे जैसे ये सेल पर डे का सेल ऑर्डर का प्रोमो सेल जो भी चीज है वो कर सकते हैं। इसका यहाँ पे ये आउट ऑफ स्टॉक है, यहाँ पे अनमैनेज्ड प्रोडक्ट, अगर आप इसको देखना चाहते हैं ये अनमैनेज्ड प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं, तो आप इस पर क्लिक करते ही आपको सारी जो अनमैनेज्ड प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आपकी सारी कैटेगरीज हैं, ये आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये आपका ये अनमैनेज्ड प्रोडक्ट्स है, कंट्रोल ऑल माई प्रोडक्ट्स। इसके यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग का आप अपने हिसाब से जैसा सेटिंग करना चाह रहे हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले रख लें। ये बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट अगर आप रखना चाह रहे हैं तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप उसको अपने अकॉर्डिंग अगर सेट करना चाहते हैं तो आप इसको ईजिली सेट कर सकते हैं। इसके बाद जहाँ तक बात होती है पीडीएफ बिल की, तो मैं पीडीएफ बिल की तरफ मैं चल बढ़ता हूँ आगे। ये आ गया आपका पीडीएफ, सॉरी ये है यहाँ पे आपका पीडीएफ है, तो मैं इसको कर लेता हूँ एक्टिव। तो एक्टिव करने के बाद यहाँ पे हमें आपको मिल जाएगा पीडीएफ बिल। आप ये भी यूज करना, ऊपर वाला भी यूज करना चाहें, ये भी यूज करना चाहें, जैसा चाहें आप यूज कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये सारे आपके प्रोडक्ट्स में आ गए, अनमैनेज्ड प्रोडक्ट्स आ चुका है, कौन से लोकेशन पे कौन से प्रोडक्ट हैं ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, लोकेशन वाइज प्रोडक्ट को मेंशन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप रेडियस वाइज प्रोडक्ट को मैनेज करना चाहें, लोकेशन वाइज प्रोडक्ट को मैनेज करना चाहें, वो सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लोकेशन वाइज प्रोडक्ट को मैनेज करने पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यह आपका ये चीजें क्या वेरिएबल के प्रोडक्ट्स में है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहें जितना चाहें आप इसमें हर तरह के वेरिएबल के चीज आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं ये पीडीएफ बिल की तरफ। तो पीडीएफ बिल का हमें अब सेटअप करना है, ये है आपका पीडीएफ बिल। तो ये आपका प्रीमियम वर्जन ये दिख रहा है, तो आप बेटर है कि आप फ्री वर्जन यूज करें। तो ये मैं देख लेता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं नहीं है पहले। हाँ यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो आपको बिल कब कब जनरेट करनी है, भाई नया ऑर्डर जब आए, अलाउ माय अकाउंट टू डाउनलोड, डाउनलोड कब हो सकता है, ये बिल कब डाउनलोड हो जाए, जब आप ये अकाउंट पे आफ्टर पेमेंट कंप्लीट ऑलवेज, ये जब प्रोसेसिंग का जब ऑर्डर करे तो उस वक्त देख कर पाए, या उसका कंप्लीट ऑर्डर तब डाउनलोड का माई अकाउंट पे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस अटैच टू ईमेल, ये कब हो, जब नया ऑर्डर हो तो उस वक्त हो जाए, उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर पे हो जाए, ठीक है। ये दो ऑप्शन पे बेटर है। उसके बाद रिफंड पे जब कोई करे तो उस वक्त कर लें, उस वक्त पहुंचना चाहिए। या डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे A4 साइज, A5 साइज, लेटर साइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको A5 साइज के भी मिल जाएगा प्रिंट, ठीक है। यानी ये छोटे लेवल का जो होता है तो भी आप मिल जाएगा, यानी A4 का हाफ, A5, ठीक है, इसका लेटर। इसके बाद इनवॉइस का नंबर आप जो भी सेट करना चाह रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप इसमें नंबर सेट करना चाह रहे हैं वो आप सेट कर सकते हैं, SQID, ठीक है, विद टैक्स, ठीक है, डेट मंथ, ठीक है, ओपन ए न्यू टैब, बिल्कुल ठीक है, डिसेबल करंट कोड, अगर आप इसको डिसेबल करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ऐसे ही सेव कर दें, ठीक। यहाँ पे अगर आप प्रीव्यू देखना चाहें तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। खैर ये आपकी सेटिंग हो गया, मेन सेटिंग। उसके बाद इसमें सेलर एंड बायर, आप इसमें सेलर एंड बायर का ऑप्शन, इसमें आप लोगो आप ऐड करना चाहें, आप इसमें लोगो अपना ऐड कर दें तो वो ज्यादा बेटर है। जो भी आपका लोगो है वो लोगो आप ऐड कर दें तो इसमें आपको यहाँ पे लोगो आ जाएगा, ठीक है। तो यह है आपका,
मैं फिलहाल के तौर पर मैं इसी को कटसी को मैं लोगो मान लेता हूँ, लोगो बना लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टाइटल डाल दें, लोगो साइज कितना रखना है, या आपके लोग कंपनी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे अपना एड्रेस है, ये फोटर है ऑन फोटर टू, तो यहाँ पे फोटर वन मैं एज ए टेस्ट शीट यहाँ पे डाल देता हूँ, ये फोटर टू। तो इसमें आप अपना मेल आईडी, मोबाइल नंबर, इस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका डिस्प्ले मोबाइल नंबर डिसेबल, अगर आप मोबाइल नंबर डिसेबल करना चाह रहे हैं या डिसेबल ईमेल आईडी तो आप कर सकते हैं, ठीक। तो इनवॉइस में कभी क्या किसी को बिल मोबाइल नंबर नहीं चाहिए होता है या ईमेल नहीं चाहिए होता है तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे बल्क डाउनलोडेबल का, उसके बाद अपलोड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे बल्क डाउनलोडेबल इनवॉइस, ये फॉर्मेट डेट, ये ठीक है, डेट टू ठीक है, तो ये इसको ऐसे ही रखें। अच्छा, ये अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं इनवॉइस, ठीक है, ये किस डेट से किस डेट तक का अगर इनवॉइस डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप ये वन क्लिक पे सारे डाउनलोड कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा फीचर्स है। अपलोड फॉन्ट, आप कोई फॉन्ट चाह रहे हैं इनवॉइस से, कोई नया फॉन्ट चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। बड़ा अच्छा फीचर्स है इसके अंदर। अगर आप ये प्रीमियम वर्जन यूज करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे और कुछ मिलने वाला है। तो खैर, ये आपको चीज़ें हो गए। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि एक ऑर्डर करके, नया ऑर्डर करके कि हमारा इनवॉइस किस टाइप से दिखेगा और इनवॉइस हमने जो सेट की है वो कैसे, उसका लुक एंड फील किस तरीके से होगा। तो चलिए कि हम एक ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कि हमारा इनवॉइस किस टाइप से दिखेगा, ठीक है। यही प्रोडक्ट्स में ऑर्डर कर लेता हूँ, एक ऑर्डर करके मैं इसको देख लेता हूँ कि ये किस टाइप से दिखेगा। हाँ, इसके अंदर बहुत सारी अभी चीज़ें हैं, मिनिमम ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इनका क्वांटिटी बी टू बी प्रोडक्ट क्वांटिटी वाइज रेट, यानी प्रोडक्ट की क्वांटिटी वाइज, अगर आपका एक प्रोडक्ट तो उसकी कीमत अलग हो, कोई 10 प्रोडक्ट खरीदता तो उसकी कीमत अलग है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें करेंगे उतना कम है। तो खैर, मैं यहाँ पे वन बाय वन की चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये व्यू कार्ड, तो ये आपका कार्ड पेज आ गया है। यहाँ पे अपना माइक अकाउंट का अकाउंट पेज को जैसे सेट करना चाहेंगे तो सेट कर सकते हैं। जो ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज अगर रिमूव करना हो तो माय अकाउंट पेज में जाकर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कूपन का आ गया, ये यू मे यू इंटरेस्टेड इन, तो ये भी चीज दिख रहा है, ठीक है ये। उसके बाद आप प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करें। पॉजिटिव चेकआउट पर क्लिक करने का दिया, आपका जो फीचर्स है ना, ये बड़ा जबरदस्त फीचर्स है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, खूबसूरत सा है। तो उसके बाद ये आपका पॉजिटिव चेकआउट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका ये शिपिंग एंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस अगर आप करना चाहते हैं इस तरह का तो आप कर सकते हैं। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना लंबा चौड़ा ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप एक ही साथ भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये जो हमने किया है वो कैसे किया है, यहाँ पे हमने एक प्लगइन यूज किया हुआ है, ये जो प्लगइन है मल्टी स्टेप चेकआउट का ऑप्शन के प्लगइन है। ये प्लगइन अगर आप इसको इंस्टॉल कर देंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, ये मैंने सब कुछ यूज कर लिया। उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ ऑर्डर। तो यहाँ पे शिपिंग में डिफरेंट ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम ऐसे ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शंस आ गया, तो यहाँ पे पेमेंट आपको यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी 2000 रुपये का मैंने ऐड कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे हम कैश ऑन डिलीवरी भी यूज करते हैं। उसके बाद हम इसे कर देते हैं ऑर्डर प्लेस। ये जो 3-4 ऑप्शन है, ये ऑप्शंस जो हमने किया है वो मैंने आपको बताया कि एक प्लगइन है, उस प्लगइन के थ्रू किया। बट अगर आपको ये चीजें नहीं चाहिए तो कोई जरूरत नहीं है इसका,
ठीक है। यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है जो प्लगइन जो यूज किया हुआ है वो मैं आपको दिखा दूं कौन सी प्लगइन है जिसके थ्रू हमने इसका यूज किया हुआ है, ये है ठीक है। बस इसको आप डिएक्टिव कर दें और उसका जो इसका बाय डिफॉल्ट जो चेकआउट पेज है वही आपको मिलेगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चेकआउट पेज ही मिलेगा, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह का रखें तो आपकी चॉइस है, वो आप कर सकते हैं ठीक। खैर इस तरीके से हमने के यहाँ पे पीडीएफ बिल भी सेटअप कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमने जो सेटअप किया है वो आपका यहाँ पे इन्वेंट्री भी सेटअप कर लिया है, यानी ये भी हमारा हो गया डन। उसके बाद यहाँ पे इसका कस्टमाइजेशन स्टार्ट। अब बात आ जाती है डिलीवरी बॉय के सेटअप के, तो डिलीवरी बॉय अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हैं तो आप एज ए वेंडर आप डिलीवरी बॉय का सेटअप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टी वेंडर का सेटअप है, लाइव लोकेशन की है। तो मैं इन चीजों को मैं ना करते हुए मैं सबसे पहले आपका ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे लाइव लोकेशन किलोमीटर के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं या पिन कोड के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे, यानी जब कोई बंदा साइट जब ओपन करे तो ओपन करने के बाद सबसे पहले उनको लोकेशन दिख जाए, लोकेशन सेलेक्ट करना पड़े उनको, जैसे जियो मार्ट का भी है। तो खैर मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। जैसे कि आप इस साइट को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा लोकेशन कि आप कौन सी लोकेशन पे काम कर रहे हैं ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है सबसे पहले इन्होंने स्टेट यूज किया हुआ है, इसी तरीके से आप स्टेट यूज कर सकते हैं, एरिया यूज कर सकते हैं, सिटी यूज कर सकते हैं और पिन कोड भी यूज कर सकते हैं ठीक है। या फिर आप अगर चाहें तो कि यहाँ पे सिटी और उसके बाद आप अपना एरिया यूज कर सकते हैं, तो जैसा चाहेंगे आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को मेंशन कर सकते हैं। तो मैं इसका ये चीज मैं दिखा देता हूँ। हाँ ये जो आपका ये जो ऑप्शन है ये सर पेड प्लग इन में होता है, ये फ्री प्लग इन में इतना सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। बट आप अगर यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं फ्री प्लगइन, उसमें आपको सिर्फ पिन कोड ही मिलेगा ठीक। अगर आप इसको पेड वाइज करना चाह रहे हैं, जहां तक ये बात इसके इसके कि यहाँ पे जिन्होंने किया हुआ है तो ये आप पिन कोड का पिन कोड वाइज ही किया हुआ है, यहाँ पे पिन कोड वाइज किया हुआ है या फिर साइन इन एड्रेस से यहाँ पे एड्रेस वाइज किया हुआ है। तो खैर आप जिस तरह से भी चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ पिन कोड चाहिए इस टाइप से तो आप पिन कोड बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको पिन कोड दिखाता हूँ। अगर आपको एरिया वाइज चाहिए तो क्योंकि ये फ्री प्लगइन है, अगर आपको एरिया वाइज चाहिए या फिर सिटी वाइज चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर पेड प्लगइन यूज कर सकते हैं ठीक। जैसे आप जब आप पेड प्लगइन यूज करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट पिन कोड पे सर्च करता हूँ या फिर आप यहाँ पे जिप कोड के नाम सर्च करेंगे, पिन कोड या जिप कोड दोनों में से जो भी चीज सर्च करना चाहें वो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये ऑर्डर डाला था, ये ऑर्डर भी आ गया है और ये आ गया सब कुछ यहाँ पे। हमारा ये इनवॉइस भी आ चुका है क्योंकि हमने डाल रखा था कि डाउनलोड के ऑप्शन पे इनवॉइस का ऑप्शन आ जाए। तो इस तरीके से कस्टमर को यहाँ पे इनवॉइस भी डाउनलोड करने का ऑप्शन माय अकाउंट पे मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे तो जो प्लगइन आप यूज करेंगे ये है सिंपल शॉर्ट कोड फॉर गूगल मैप, ये गूगल मैप के लिए है। और हमें जो प्लगइन यूज करना है वो ये है प्लगइन, ठीक है इतना कोई ज्यादा बेटर नहीं है, अच्छा है। अगर आप इसको जिप कोड यूज करेंगे तो ये जिप कोड वाला जो है वो ज्यादा बेटर होता है। तो खैर यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया, फ्री अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट मैं इस टाइम जो है फ्री प्लगइन यूज नहीं करने वाला हूँ, मैं पेड प्लगइन यूज करने वाला हूँ। ये देखें ये ऑप्शन है, इस तरीके से आप इसको फ्री प्लगइन से कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं जो आप यूज कर सकते हैं, बट मैं इस टाइम जो यूज करूँगा वो यूज करूंगा पेड प्लगइन ठीक है।
तो मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर पे और यहाँ पे करता हूँ अपलोड, और उसके बाद चलता हूँ यहाँ, उसके बाद मैं चलता हूँ ये प्लगइन। इसके अंदर हमने जो बहुत सारे हमारे पास पेड प्लगइन है, तो ये अमेजोन प्रोडक्ट्स का है। आपको किसी भी तरह के पेड प्लगइन की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको वो सारे चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ये आपका मिनिमम मॉडल मैक्सिमम ऑर्डर का है। ये है आपका पिन कोड वाइज, ठीक है, ये ऑर्डर एंड टाइम, ये टाइम वगैरह के लिए है, टाइम ऑर्डर डेट एंड टाइम का है। उकोमर्स चेकआउट पिन कोड प्रो, ये बड़ा अच्छा है, और इसका अगर आप बाय करना चाहें तो आप बाय भी कर सकते हैं। मैं इसको बाय करने का ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये है उकोमर्स सब्सक्रिप्शन का बटन है, तो खैर ये मैं यूज़ कर लेता हूँ। और इसको अगर आपको देखना हो तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका कोड कैनन में मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी साइट से जहाँ पे भी जहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं, ये ऑप्शंस हैं चेक अवेलेबिलिटी का, $25 के आसपास का एक प्लगइन। करते हैं ऐड, जी हाँ, ये मैंने आपको जो थीम दिखाया था वो आपका ये आ गया है। आपका क्या नाम, बिल, बिल बड़ा बड़ा खूबसूरत सा बिल है, ये देखें कि बिल खूबसूरत सा है। यही चीज़ अगर आप, मैंने A4 साइज में रखा है, ये आपका लोगो आ गया, ये आपका बिलिंग, ये आपका शिपिंग, ये आपका इनवॉइस नंबर, डेट, कैश ऑन डिलीवरी जो भी मेथड है वो उन्होंने मैंशन कर दिया है, ये मेल ID, ये फ़ोन नंबर, ठीक। तो ये चीज़ें बड़ा अच्छा है। इसका अगर A5 में अगर आप यूज़ करना चाहें तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका आ गया डबल डबल इनवॉइस, क्यों हुआ है, अच्छा इसलिए डबल इनवॉइस हुआ है क्योंकि हमने वहाँ पे जो सेट कर रखा था सेम इनवॉइस डबल हो गया है क्योंकि 2 टाइम हमने सेट कर रखा था, इस वजह से यहाँ पर लग रहा है कि डबल इनवॉइस हो चुका है, ठीक है। तो खैर वो अपने हिसाब से इसको आप मैनेज कर सकते हैं, ये footer 1 है, footer 2 है, ठीक है। इसी तरीके का इनवॉइस आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, ये आप यहाँ से इनवॉइस निकाल सकते हैं, मैकअप PDF इनवॉइस, ये आपका पैकिंग स्लिप, जस्ट आप क्लिक कीजिए और ये आपका इनवॉइस रेडी, ठीक है। खैर यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था वो कर रहा था कि जिप कोड के बारे में, पिन कोड के बारे में, ये हमारा है जिप कोड, बड़ा इजी है, इसके अंदर है, आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। अब यहाँ पे जाएंगे, ये आपका इनवॉइस रेडी हो गया, PDF में रेडी है बिल्कुल, ये आइटम है, ये कॉस्ट है, ये सब कुछ दिया हुआ है। जी तो यहाँ पे आप 2000 MB तक आप जिप कोड आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप XML फाइल पे क्लिक करेंगे और ये आ जाएगा आपका इंपोर्ट करने का फॉर्मेट, ये किस तरीके से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर यहाँ पे मुझे ये आपका इंपोर्ट करने का, ये आपका सिटी एरिया आ गया, सिटी आ गया, स्टेट आ गया,
ये सारी चीजें आप यहाँ पे आराम से इजीली कर सकते हैं। डे बाय डे क्वांटिटी जो ऐसा भी आप रखना चाहें वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। सपोज कि मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट में ले लेता हूँ कोई सा भी, मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। ऐड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, और उसके बाद ये आपके जिप कोड या आपका सेटिंग है। तो ऐड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा ऐड करना चाहें वैसा ऐड कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे जिप कोड का इसके थ्रू ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप मैं कह लेता हूँ यहाँ पे ओखला, ठीक है, यहाँ पे आ गया जामिया नगर, ठीक है, यहाँ पे आ गया अबुल फजल, ये हमारे आसपास के एरिया हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी आप अपने आसपास के एरिया यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ आ गया योगा भाई, ठीक है, इसके बाद यहाँ आ गया आश्रम, ठीक है। तो इस तरह के आप यहाँ पे, अब सिटी है तो सिटी में मैं सब डाल देता हूँ दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे स्टेट में हमारा आ गया दिल्ली, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आप जो नंबर हैं ये नंबर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया 1100025, ठीक है। तो ये चीज़ मैं सब में अगर देना चाहूँ सब में दे सकता हूँ, या फिर डिफरेंट में एरिया में डिफरेंट पिन कोड अगर है डिफरेंट डिफरेंट में देता हूँ। मैं आपको ऐसे एज ए सैम्पल दिखाना चाह रहा हूँ, तो आप इसमें एज ए सैम्पल दिखा सकते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन से पिन कोड में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है और कौन से पिन कोड में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, ये भी आप मैंशन कर सकते हैं, ठीक है। किसी किसी पिन कोड में अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो कैश ऑन डिलीवरी मेंशन कर सकते हैं, और किसी में नहीं चाहिए तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। कितने दिन में डिलीवर होगा वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी आप मेंशन करना चाहें उस पर आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। एरिया वाइज ये सब कुछ पता चल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चार्ज कितना करेंगे, किस पिन कोड में कितना चार्ज करेंगे वो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सीओडी चार्ज, अगर क्वांटिटी वाइज अगर चार्ज करना हो तो भी आप इसमें क्वांटिटी वाइज चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा डिलीवरी कौन कौन से दिन डिलीवरी रखेंगे उस एरिया में वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा डिलीवरी कितने आवर्स में हो जाएगा, कितने मिनट्स में करना चाहेंगे वो भी चीज इसके अंदर अवेलेबल है। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग से भी डालना चाहेंगे वो आप पॉसिबिलिटी है, जा सकती है। तो खैर, जैसे कि अभी मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई एरिया सेट करना चाहता हूँ, तो ये डिलीवरी डे क्या है, मंथ क्या है, आवर क्या है, कितने क्वांटिटी, तो ये आप सब कुछ आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे जैसे मैंने एक पिन कोड डाल दिया, यहाँ पे एरिया यहाँ पे डाल देता हूँ, टेस्ट डाल देता हूँ, जस्ट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद ये आवरली यहाँ पे 0 मैं 60 मिनट पे अगर मैं देना चाहूँ कि 1 आवर तक मैं इसे डिलीवर कर दूंगा। मैक्सिमम डिलीवरी क्या है, विद इन मिनट्स जो हैं ये आपका विद इन आपका 60 मिनट्स के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसके बाद जस्ट ऐड कर दें ये, अच्छा 59 मिनट्स। तो इस तरीके से आप जो है कि बिल्कुल सेट कर सकते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल इजीली सब सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा है और खूबसूरत सा भी है। अब इसकी बात कर लेते हैं इसके अगर सेटिंग की, तो आप सेटिंग यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ वेंथ जो भी करना चाहें, ये लेबल जो रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। सीओडी अगर नहीं चार्जेबल है तो चार्जेबल कर सकते हैं, यहाँ पे आप चार्जेबल ले सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे देखना है वो चेक आउट पॉपअप, ये आपका इम्पॉर्टेंट चीज है
इसका स्टार्टअप करने का तरीका मैं आपको सारे बता देता हूँ। तो इस तरह का ये आप मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। सेम इस तरह से ये आपको इम्पोर्ट अगर करना हो, जो मैंने एक्सेल शीट हमें डाउनलोड की थी, इम्पोर्ट अगर करना हो तो आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। जस्ट इस पर इम्पोर्ट पर क्लिक कीजिए। इम्पोर्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि जो मैंने अभी ऐड किया है एक पिन कोड, वो पिन कोड किस तरीके से दिख रहा है वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी देख लेता हूँ जो मैंने ऐड किया है वो किस टाइप से दिख रहा है, और कभी जो मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ वो किस टाइप से दिखेगा। ठीक है, तो आप इसमें 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 जो भी आप पिन कोड ऐड करना चाहे कर सकते हैं। ये देखें आ गया ना, इसमें अब कैश ऑन डिलीवरी इसमें अवेलेबल नहीं है। ध्यान रखिएगा कि इसमें कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, तो इस पिन कोड पर जब भी कोई बंदा सेलेक्ट करेगा तो उस पर कैश ऑन डिलीवरी नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अभी अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ कि भाई कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं है, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि इसके अंदर ये कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जैसे ये आ चुका है, बटन आ चुका है, इसको आप जस्ट क्लिक करें। हाँ, इसको अगर मॉडिफिकेशन करना चाहें, अपने अकॉर्डिंग सीएसएस लगाना चाहें, आप बिल्कुल लगा सकते हैं, या फिर लगा के इसको जैसा चाहें मॉडिफिकेशन करना, कलर वगैरह देना, उसको आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखे यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, जस्ट इसमें कैश ऑन डिलीवरी इसमें अवेलेबल इसमें दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे है क्योंकि शायद उसमें यह दिया हुआ है कैश ऑन डिलीवरी नॉट अवेलेबल इसमें लगा, बट वहां पे कैश ऑन डिलीवरी दिख रहा है। तो रीजन एक शायद मैंने सेलेक्ट जो कर दिया था सीओडी का ऑप्शंस, इसलिए उसमें कैश ऑन डिलीवरी का दिखा रहा था। खैर अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहेंगे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। खैर ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, ये आपका सीएसवी फाइल ये अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अपलोड यहाँ हो जाएगा। अब बात आ जाती है कि भाई अब होम पेज में हम ये जो चेकआउट वाला है ऑप्शन है, इसको हम अगर हेडर पर रखना चाहेंगे, या फिर जो कोई बंदा साइट ओपन करे, साइट ओपन करते ही सबसे पहले उसको ये लोकेशन सेलेक्ट करने के आ जाए, ये कैसे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है। ठीक है, तो अगर आप होम पेज में करना चाह रहे हो, लोकेशन हेडर में करना चाह रहे हैं तो आप हेडर में कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि वो होम पेज ये अलर्ट पॉपअप की शक्ल में आ जाए तो भी आप कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, की जा सकती है। इसके लिए क्या करेंगे आप, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको पॉपअप के सेक्शन पे आना पड़ेगा। ये है पॉपअप का सेक्शन। ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग जो जो चीजें चाहिए आपको उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे चीजें आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक, सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ इस हिसाब से आप करेंगे किस तरह से। हाँ, लेकिन ये जो फैसिलिटी दिख रहा है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ पेड प्लगइन में मिलेगा। तो कोई फ्री प्लगइन यूज करे और बोले कि सर ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं होगा उस पर। ठीक है, यहाँ पे ऑटो पॉपअप होम, ये आप इस पे ऑन कर दीजिए। जैसे आप इसको ऑन करेंगे ऑटो पॉपअप होम, तो उस पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे जो टैक्स एड करना हो, कुछ टैक्स डालना हो, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बस इसको कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे सीओडी यहाँ पे ऑन किया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर भी सीओडी ऑन था, बट अगर इसमें सीओडी ऑफ करेंगे तो ये ऑफ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं सेट। जैसे हम इसको पॉपअप सेट करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉपअप आना शुरू हो जाएगा, होम पेज पे पॉपअप आना शुरू हो जाएगा। आप इसको इंडिविजुअल विंडोज में आप देख सकते हैं, प्राइवेट विंडोज में, कि आप जब इसको ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपको पॉपअप का सेक्शन आपको मिल जाएगा। हाँ, ये पॉपअप सेक्शन जो आप एरिया वाइज ले सकते हैं, आप पिन कोड वाइज ले सकते हैं, आप इस तरह से ये देखेंगे सीओडी इसमें अवेलेबल है, ये इसमें नो नहीं है, अवेलेबल है, तो क्योंकि वहां पे मैंने अवेलेबल थी दिखा दिया। ठीक है, तो अब जाइए था पॉपअप की, तो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉपअप आ चुका है। ठीक है, सेम एज उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इस वाली साइट में।
ठीक। बट आप यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे लोकेशन चाहिए, सिटी चाहिए, तो भी आप कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे चाहेंगे आप, ठीक है। जैसा भी यहाँ पे पिन कोड आ रहा है तो पिन कोड आएगा, ये आप मोबाइल में भी देखेंगे तो मोबाइल में भी आपको इस टाइप से दिखेगा। जब तक आप लोकेशन चूज नहीं कर लेंगे आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप कट भी करने, इसमें आप कट भी नहीं कर सकते, ठीक। हाँ, यहाँ ऑप्शन यहाँ पे कट का दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप कट करना चाहें तो भी आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। बट अगर आप चाह रहे कि नहीं ये कट ही ना कर पाए तो भी पॉसिबिलिटी है, वो कट का सेक्शन यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा। तो बंदा विदाउट डिलीवरी लोकेशन डाले हुए वो अंदर को जा ही नहीं सकता। जी हाँ, आपने सही सुना, तो लोकेशन को बिना एंटर किए हुए वो अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अब अगर इनेबल करेंगे लोकेशन वाइज, ठीक है, यहाँ पे डिलीवरी ऑन संडे सैटरडे जो भी आपका है, डिलीवरी ऑन संडे अगर ऑन है, ऑफ है, जो भी ऑन करना चाहे, इनेबल चेक पिन कोड सीओडी ऑन चेकआउट पेज, ये चेकआउट पेज में इन्होंने ये ऑप्शन दे रखा है। अब रही पॉपअप की ऑप्शन, तो मैं पॉपअप में देख लेता हूँ इसमें क्या क्या चीजें इसमें अवेलेबल है। अरे पॉपअप क्लिक एड टू कार्ट बटन इन द शॉप कैटेगरी पेज ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे किसी भी के पेज में आप इसे पॉपअप का ये ऑप्शन आ सकता है। लेट यूजर क्लोज पॉपअप इफ नॉट अवेलेबल, अगर ये अवेलेबल नहीं तो क्लोज कर सकता है। यहाँ पर अगर नो कर देंगे तो जो कट का ऑप्शन है वो नहीं आएगा, ठीक है, कट नहीं कर सकता। इनेबल एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स के बेस्ड ऑन पिन कोड ऑन शॉप पेज, ये यहाँ पे पिन कोड वाइज किया हुआ है, तो आप यहाँ पे पिन कोड वाइज ऑन करके रख सकते हैं कि नो अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप जैसा रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो दिया हुआ है इनेबल ड्रॉप डाउन इनर, ये आपका बटन का इनर वगैरह है, राइट वगैरह है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग इसको साइज बना सकते हैं। यहाँ पे आपको जो देखना है वो है शो सिटी ऑन पेज इनेबल एरिया बेस्ड, ये आप एरिया बेस्ड ऑन कर लेंगे तो ये आपका एरिया बेस्ड आ जाएगा, ठीक है। हाइड प्लेस ऑर्डर इफ पिन कोड इज नॉट ऑन के चेकआउट पेज, तो एरिया बेस्ड मैंने इसको कर दिया ऑन। उसके बाद मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश तो देखता हूँ कि यहाँ पे एरिया आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, ये जो टैक्स है ये टैक्स अपने अकॉर्डिंग आप जैसा चेंज करना चाहें तो आप बिल्कुल इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हर ये इस तरीके से आप स्टेट वाइज भी आपके पिन कोड को सेट करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ से सेट हो जाएगा। खैर, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं, ये आपका चेक अवेलेबिलिटी भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन की, ठीक है। कस्टमाइजेशन किस तरीके से करेंगे और कैसे होगा, यहाँ पे
कस्टमाइजेशन का करना बिल्कुल इजी है, मैं कहा कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइजेशन इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि एरिया वाइज भी आ जाएगा, लोकेशन वाइज आ जाएगा, तो ये एरिया वाइज आ चुका है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे दिल्ली चूज करेंगे तो दिल्ली के अंदर यहाँ पे एरिया भी डला हुआ नहीं है, तो आप एरिया भी चूज कर सकते हैं, या पिन कोड डाला था तो डाल सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप जिस टाइप से सेट करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इनेबल्ड बेस्ड ऑन एरिया बेस्ड ये ऑफ है, ये ऑन कर लेता हूँ, तो इसको मैंने कर दिया सेव। इसके बाद जो बारी आ जाती है वो है कि आपको पेज के जो है कस्टमाइजेशन करनी है। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन का आप डायरेक्ट होम पेज से भी कर सकते हैं, उसके बाद आप कस्टमाइजेशन अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट पेज से भी कर सकते हैं। तो चलिए कि हम वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं, होम पेज से ही स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कस्टमाइजेशन को किस तरीके से कस्टमाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो दो तीन चीजें रह गई हैं वो ऑलमोस्ट चीजें यहाँ पे आपका ये डन हो चुका है, ये भी डन, ये पीडीएफ बिल ये डन हो गया है, और उसके बाद ये चीजें जो मैंने आपको बताया था ये डन हो गया है, ये डन हो गया है। इसके बाद यहाँ पर मल्टी वेंडर के स्टार्टअप की, डिलीवरी बॉय की और कस्टमाइजेशन पेज की। तो इसके लिए हमें कस्टमाइजेशन पेज के लिए बहुत सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी, तो जैसे कौन कौन चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी सब बना रखे हैं, तो मैं आपको ये जो दिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, इसका जो पार्ट फोर्थ होगा, उस पार्ट फोर्थ में हम जानेंगे कि डिलीवरी बॉय के सेटअप किस तरीके से करेंगे ई कॉमर्स के थ्रू। अगर आपके सिंगल वेंडर है फिर भी, मल्टी वेंडर है फिर भी, दोनों में डिलीवरी बॉय का अगर सेट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। उसके बाद फिर डिलीवरी बॉय का एप्लीकेशन है, पेज को कस्टमाइजेशन है। अब सबसे पहला जो काम जो हम स्टार्ट करेंगे वो पेज कस्टमाइजेशन करने का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिलीवरी बॉय का देखेंगे, डिलीवरी बॉय का किस तरीके से होगा, कैसे होगा, किस टाइप से होगा। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, इसके लिए कुछ बैनर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, कुछ पेजेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो हमने पहले से रेडी कर रखा है। ये देखें कि ये हमारे पास वो सारे बैनर्स और सारे कैटेगरीज हैं, जो कैटेगरीज हमें अवेलेबल हमें चाहिए था। ये देखें ये सारे कैटेगरीज वगैरह हैं जिसमें हमने के इसको कैटेगरीज वाइज जिसमें का हमने बना रखा है। ठीक है, तो ये अपने अकॉर्डिंग इसको हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल इजीली इसको हम यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करके ये का मेंशन करेंगे। ठीक है, इसमें आप कैटेगरी वाइज ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपका हमारे पास ये बैनर्स हैं, बहुत सारे बैनर्स हमने इसमें यूज़ किया हुआ, ये आपका कैटेगरीज बैनर्स हैं, ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट्स बैनर्स हैं, तो इसके लिए हमने कि यूज़ किया हुआ है, या हमने CDR फाइल यूज़ किया हुआ है, बहुत टाइम लगा है इसको बनाने में। तो खैर कोई नहीं, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और वो A to Z हम उसको कस्टमाइजेशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट से ये पार्ट होगा, ये जो चौथा पार्ट होगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, और ये चौथा पार्ट ही मे बी ये लास्ट पार्ट हो, मैं ये कह नहीं सकता हूँ लास्ट पार्ट, क्योंकि मल्टी वेंडर का एक पूरा पार्ट होगा। मल्टी वेंडर भी एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, बट ये सिंगल वेंडर के लिए ये के लास्ट पार्ट चौथा पार्ट होगा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड करनी है कि आपको मैं दिखाऊंगा बताऊंगा। जब हम इसको कस्टमाइजेशन करेंगे तो कस्टमाइजेशन करते टाइम बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।